एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, दिस इज वीरन। और जैसे कि अभी बातें चल रही हैं हमारी कंपार्टमेंट एग्जाम्स की, जो हमारे इस मंथ में होने वाले हैं, तो अब तो आपकी डेट भी आ गई है। अगर 10th के साइंस की कंपार्टमेंट एग्जाम की बात करें तो 23 सितंबर को होने वाले हैं, तो आई होप आप उनकी प्रिपरेशन कर ही रहोगे। और जो ये बातें चल रही हैं कि आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने की जो बातें सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं, तो मैं यही कहूँगा कि उनको होने दें, और जो भी डिसीजन होगा वो हमारा 10 सितंबर को आएगा और हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी होगा जैसा होगा। बट वो उधर की बात है, तो उसको ज़्यादा मतलब उसको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे। और ये जितना भी जो चल रहा है, जो आपकी सराउंडिंग है, कोरोना केसेस हैं या फिर कुछ भी चीज़ है, उसको अपने पर हावी मत होने देना। और इतना बात याद रखना कि लाइफ में कुछ भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलता, आपको उसके लिए फाइट करना ही पड़ता है। तो ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हो अपने कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल होने की, तो वो आपका होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो जो भी है आप उसका बेस्ट दीजिए। अपना बेस्ट देना ही एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, तो अपना बेस्ट दें और अपनी प्रिपरेशन को एक स्मार्टली करें, और स्टेप बाय स्टेप कह लो या फिर एक प्लान करके अपने अगर प्रिपरेशन को करोगे, तो अगर एग्ज़ाम होते भी हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे। एंड आई थिंक आपको ये सेकंड चांस मिल रहा है, बहुत कम लोगों को सेकंड चांस मिलता है, और आपको अगर सेकंड चांस मिल रहा है अपने आपको प्रूफ करने के लिए, तो आप उसको एक्सेप्ट करें और अपने आपको प्रूफ करें। और मैं ये कहूँगा कि अभी 15 दिन है, तो इन 15 दिन में अगर आप बात करें कि तैयारी कैसी होनी चाहिए, तो आई गेस 7 दिन या 8 दिन तक आप अपने रिविज़न कम्प्लीट कर लें और फिर कुछ सैम्पल पेपर करें। आपका अगर किसी भी और भी सब्जेक्ट का है तो आप उसमें मतलब कुछ दिन में अपना रिवीजन कर लें, प्लान कर लें, 4 डेज 5 डेज 6 डेज जितने दिन है आप अपनी पूरी बुक रिवाइज कर लें। उसके बाद अपने सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करें। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब अगर हम 10th के साइंस की बात करते हैं, तो 10th के साइंस में आपकी फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं, और केमिस्ट्री में भी 4 एंड 5 हैं, और बायो में भी 4 एंड 5 हैं। तो अगर आप देखें तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग एंड बायो का अलग कर सकते हो। और केमिस्ट्री के अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें जिसमें से हमारा काफ़ी हद तक क्वेश्चन आता है, तो 1st चैप्टर से आपकी बैलेंस करने को रिएक्शन आती ही आती है। 4th चैप्टर यानी कि कार्बन एंड कंपाउंड से आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि कंपाउंड से रिलेटेड होते हैं, या फिर कोई एसिडिफिकेशन रिएक्शन हो गया या सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन हो गया, ये दोनों रिएक्शन में से एक रिएक्शन आती ही आती है, पूछते पूछते हैं, तो आप उसको देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है जो मोस्टली देखा गया है 4th चैप्टर से, उसका नाम है होमोलोजियस सीरीज के बारे में। वो अक्सर होमोलोजियस सीरीज पूछते हैं कि आप किसी कंपाउंड को दे देंगे उसके होमोलोजियस सीरीज, चाहे एल्डिहाइड की ग्रुप की बात कर ली या फिर चाहे कार्बनिक एसिड की ग्रुप्स की बात कर लें, तो आपको उनके होमोलोजियस सीरीज के बारे में पूछ सकते हैं। तो एक ये क्वेश्चन होता ही होता है। फिर अगर हम एसिड बेस एंड सॉल्ट और मेटल और नॉन मेटल की बात करें, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली मेटल नॉन मेटल से तो रिएक्शन टाइप्स के होते हैं, जो जिसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होता है कि जो हाई रिएक्टिव होता है वो लो वाले को रिप्लेस कर देता है। फिर अगर एसिड एंड बेस की बात करें, तो वहाँ से आपकी कुछ चीज़ें हैं जो पूछ लेता है, चाहे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हो गया या फिर कुछ नॉर्मल है, बट ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से बहुत कम आता है। फिर एक अच्छे पोर्शन में जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है 5th चैप्टर यानी कि क्लासिफिकेशन वाले से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो वहाँ से मैं ये कहूँगा कि एटॉमिक रेडियस के जो ट्रेंड है, आयनाइजेशन की जो ट्रेंड है कि किस तरह से ग्रुप्स में जाते वक्त आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है और पीरियड में जाते हुए वो डिक्रीज करता है, तो इस चीज़ को आपको समझने की जरूरत है। और अगर आप ये 4-5 चीज़ें हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आपका एक मेटालिक कैरेक्टर, अगर ये 4 या 5 आपने समझ लिए तो आई गेस आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। पीरियोडिक टेबल को समझने की जरूरत है, तो ये पूरा चैप्टर बहुत ईजी है। अगर आप बोलेंगे तो इस चैप्टर को हम एक ओवरव्यू रिवीजन एक बना लेंगे अभी कुछ ही दिन में, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इस चैप्टर पे। बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में अगर हमारे देखें जो पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो एक आपका आता है कि सर्किट को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को, करंट निकालने को, एक पावर और एक एनर्जी पे क्वेश्चन होता ही होता है, तो आप उसको कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो गए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, थ्योरी इसमें मेरे ख्याल से बहुत कम ही पूछी जाती है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही होते हैं। अगर मैग्नेटिज्म की बात करें, तो मैग्नेटिज्म से भी लास्ट ईयर तो कुछ क्वेश्चन थे नहीं, बट मैं उसमें कहूँगा कि जितने भी लॉज हैं उनको अच्छे से समझ लें, लॉज वगैरह पूछ लेते हैं, चाहे आपका राइट एंड थंब रूल्स हो, फ्लेमिंगो लेफ्ट एंड राइट रूल्स हो, और इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर के बारे में हो, आर्मेचर क्या होता है, स्लिप रिंग, इन सब के फंक्शन जरूर देख लेना, आर्मेचर, स्लिप रिंग, कम्यूटेटर। और अब बात करते हैं हमारा एक और चैप्टर रिफ्लेक्शन वाले, तो रिफ्लेक्शन से आपके
जो क्वेश्चन होता है वो आपका एक लेंस दिया होता है और उस पर आपको मोस्टली ये पूछा जाता है कि नेचर पूछते हैं कि कैसा जो हमारा इमेज बनती है उसका नेचर कैसा है। तो वो एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा और उसके बेसिस पे मिरर फॉर्मूला पे आप न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मिरर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल आता ही आता है। बात अगर हम आई की करें तो आई से आपसे जो आई डिफेक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन ही पूछते हैं और ज़्यादा कुछ उसमें पूछते नहीं है। फिर बायो में अगर देखते हैं तो बायो के जो चैप्टर्स है उसमें जो एक सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन्स वाले चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आते हैं आपके, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो चाहे फीमेल हो, उनमें से एक ना एक के बारे में पूछ लेते हैं। फिर आपके ग्रोथ रेट को रोकने के लिए भी पूछ लिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्लस नर्वस सिस्टम में आप जरूर एक बार पढ़ लें, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लें कि आपका कौन सा ग्लैंड्स कितना वो हार्मोन्स किस चीज़ के हार्मोन्स रिलीज करता है ये पढ़ लें। और फिर आप डिफ्यूजन्स ऑस्मोसिस या फिर प्लांट्स में जो हमारी वो है उसको अच्छे से पढ़ लें। तो बायो का भी एक तरह से ओवरव्यू। तो अगर आप साइंस को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करके करेंगे तो काफ़ी हद तक होगा और 7 डेज में इसको रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना सैम्पल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लें। मैं ये कहूँगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो विदाउट सैम्पल पेपर नहीं होना चाहिए, सैम्पल पेपर जरूर उसमें सॉल्व हो जाए, उसके बाद ही आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट कही जाएगी। सिर्फ बुक को रिवाइज कर लेना और बुक को सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, आपका सैम्पल पेपर जब तक आप नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझेंगे। स्पेशली जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया, फिर बैलेंस करने का इक्वेशन हो गया, उन ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए, जिनके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। प्लस मैं आज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, चैप्टर वाइज डालूंगा, करंट के और मैग्नेटिज्म के डाल दूंगा, और इसको मैं अपने फेसबुक पेज पे भी डालने वाला हूँ, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और वहाँ पे आप जाके वहाँ पे क्वेश्चंस की मैं फोटोज डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा और अगर आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेरी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में उन क्वेश्चन को सॉल्व भी करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको किसी और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर आपको लगता है कि किसी चैप्टर के आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे ले सकते हैं और मुझे आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टा वगैरह पे, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप बात कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा और प्लान करके कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो बाहरी चीज़ें जो सराउंडिंग्स है वो आपको अफेक्ट ना करें, अपने आसपास एक वॉल क्रिएट कर ले, जो कोशिश कीजिएगा जो बाहर की नेगेटिविटी वो आपके आपको अफेक्ट ना करे, आपके ब्रेन को अफेक्ट ना करे, इनमें अपने आप को टाइम दे, अपने लिए वो करे, ये सोचे कि ये फाइट आपकी है, तो आप बाहरी लोगों पे डिपेंड ना हो। नहीं कहूँगा एग्जाम्स कैंसिल होते हैं नहीं होते हैं, वो न्यूज़ आपके पास आ जाएगी, आपको पता चल ही रहेगा, तो अभी उसको पैनिक लेके या अभी उसके बारे में सोच के स्ट्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। और कोशिश कीजिए सोशल मीडिया से दूर रहिए 15 दिन के लिए, मैं यही कहूँगा, ज़्यादा एक्टिव नहीं होना, सिर्फ काम के लिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए ही फ़ोन यूज़ करें, फ़ोन को अपना साइड में रखें। तो आज की वीडियो में यहीं एंड करता हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग एंड कीप वर्किंग।